नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। जहां दोस्तों भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आई है, जिसे कहा जाए कि बम्पर भर्ती है वुमेन आर्मी भर्ती के लिए। तो दोस्तों जो फीमेल हैं, जो वुमेन्स आर्मी में ज्वाइन करना चाहती हैं, जो आर्मी में जाना चाहती हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि वो आर्मी की भर्ती आ चुकी है, रैली आ चुकी है और आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या इसमें प्रोसीजर है, कैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, आगे कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, सारी बातों पर डिस्कस हम अपने इस वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे जितने भी वीडियोस हों आपकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको डिटेल में दिखाते हैं और इसके बारे में बताते भी हैं कि आर्मी की जो भर्ती है, जो पहली बार जो गर्ल्स हैं जो आर्मी की भर्ती ये देखना चाहती हैं, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है इस आर्मी भर्ती को लेकर के। तो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहें। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है और कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, आगे आपके सामने है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप आर्मी की भर्ती के लिए फॉर्म खोलना है तो आपको सबसे पहले उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपको लिखना है ये www.joinindianarmy.nic.in। ऐसे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने इसकी ये एक वेबसाइट देखिए ये खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो सर जी सबसे पहले देखिए, आपको इसकी जो वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है काफ़ी टाइट है, काफ़ी हार्ड बनाई गई है ताकि कोई भी इसको आसानी से ना खोल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सबसे पहले इसका जो कैप्चा है यहाँ पे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ही आगे आप कुछ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कैप्चा डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने कैप्चा फिल कर लिया। ठीक है, कैप्चा फिल करने के बाद जैसे हम ऑफिशियल पे यहाँ पे एंटर करते हैं, देखिए एंटर कर दिए और आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन दिख लीजिए, जैसे आप खुलेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन है, हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन लखनऊ, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन इन कॉर्पस ऑफ मिलिट्री पुलिस, फॉर्म 30 नवंबर 2022 टू 10 दिसंबर 2022 एट AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो फॉर्म है वो 30 नवंबर से आप भर सकते हैं और 10 दिसंबर तक। जो भी फीमेल है वो UP से बिलोंग करती हैं या फिर झारखंड से बिलोंग करती हैं, तो उनका जो हेडक्वार्टर दोस्तों वो बता दें आपको, हेडक्वार्टर लखनऊ है। आप आराम से इस फॉर्म को 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक इस फॉर्म को फाइनल कर सकते हो। आगे इसमें कितनी फ़ीस है, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ ध्यान देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉन्ग इन टू द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। आपको सबसे पहले दोस्तों इसको फॉर्म को भरने के लिए देखिए joinindianarmy.nic.in पे जा करके, रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर 2022 बाय हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट जोन लखनऊ। ठीक है, आप जो है 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें तो 9 अगस्त की बात करें तो फॉर्म जो है ओपन हो चुका है, आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये प्रोसीजर जो है वो 7 सितंबर तक होगा। तो दोस्तों एक चीज़ और निकल के आ रही है कि जहाँ पे हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट जो लखनऊ है, हेडक्वार्टर जो दोस्तों ये लखनऊ है, फॉर द अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन एंड कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस एज पर द हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन लखनऊ रैली शेड्यूल फॉर एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट ऑल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर वो आर्मी का फॉर्म अप्लाई कर रही हैं, उनको आर्मी की जो रैली है उनको लखनऊ आना होगा अपनी फिजिकल के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे और भी दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें फ़ीस लगेगी, कितना क्या है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये फॉर्म जो है 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक भरा जाएगा और रैली की जो डेट है वो दोस्तों 30 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो आपको इंटर पास होना थे, 12th सर्टिफिकेट अग्निवीर हुआ है बिन द अलॉन आफ्टर द क्वालिफाइंग क्लास, 10th सर्टिफिकेट टू 12th विन बी कम्प्लीटेशन ऑफ देयर 4 ईयर्स एंगेजमेंट और पीरियड बेस्ड स्किल अटेंड द डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन शैल बी इशू द सेपरेटली। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो आपको आर्मी की भर्ती के जाने के लिए आपको 12 पास होना चाहिए और यहाँ पे जैसे या 12 पास होने के बाद इसमें ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने के बाद आपको 4 साल के लिए आपका
जो है इसमें आर्मी आर्मी का जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कोर्स के दौरान, ठीक है, ताकि आप आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। चलिए आगे दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की है दोस्तों, 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर है। अब कैंडिडेट जो लॉग इन कर सकते हैं 20 सितंबर से अपना क्या क्या एडमिट कार्ड जो है क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। रैली की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ निकल के आता है कैटेगरी वाइज तो आपका फॉर्म किस लेवल में अप्लाई होगा। देखिए कैटेगरी में कहा गया अग्नि वीर ड्यूटी वुमेन इन कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। और दोस्तों यहाँ पे एज की बात की है तो जिनका एज 17.5 साल, 17.5 साल है और 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में आपकी जो है वहाँ पे उम्र होनी चाहिए। जैसे और यहाँ पे सिंपल सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2005 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो सभी फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हाइट की बात करें फिजिकली की, तो यहाँ पे देखिए हाइट जो है वुमेन की हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्रॉपर्टी टू द हाइट एंड एज एज पर द आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों आपकी हाइट जो है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये वुमेन की बात कीजिए। और एजुकेशन की बात की जा रही है तो क्लास देखिए 10th पास, मैट्रिक पास 45% मार्क ए ग्रेड एंड 33% इन ईच अदर। देखिए कॉन्स्टेबल के लिए बात की जाए तो आर्मी ई की कॉन्स्टेबल में जो होती है उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए हाई स्कूल में, हाई स्कूल पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 33% ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% यानी 33% पास होना चाहिए। फॉर द बोर्ड्स ऑफ गार्जियन सिस्टम एंड मिनिमम डी ग्रेड, अगर आपने परसेंटेज नहीं पाया, अगर आपको ग्रेड मिला हुआ तो ग्रेड में दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो मिनिमम ग्रेड जो है आपका 33% लेके 40% तक होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो बात करें तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और निकल गया, नोट कैंडिडेट विल बी वैलिड लाइट मोटर व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन टू परफॉर्म फॉर द ड्राइवर रिक्रूटमेंट। अगर आप ड्राइवर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास LMV यानी जो दोस्तों तो लाइट मोटर व्हीकल्स आपके पास लाइसेंस अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए इंडियन गोरखा के लिए क्लास 10 सिंपल पास, दोस्तों बात की जाए इंडियन गोरखा के लिए क्योंकि आर्मी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और इसमें बात की जाए तो आपको इंडियन गोरखा के लिए जो है वो 10th पास सिंपल होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके प्रोसीजर की, आपकी हाइट और कितनी चाहिए। आगे भी देखते हैं इसमें जो कितनी फीस लगेगी सभी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि द अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स फ्रॉम 21 ईयर्स टू 23 ईयर्स एज ए ऑन टाइम मेजर ऑफ द रिक्रूटमेंट ईयर 2020-23। दोस्तों 2 साल की छूट दी गई है इसमें, ये 2 साल की छूट सिर्फ 2022 और 23 में है। अगर आप कोरोना काल में देखा जाए तो जिसकी एज निकल रही है 1 या 2 साल तो वो भी इस एज के अंदर आ सकते हैं। कह रहा अपर एज लिमिट हैज़ बीन रिलैक्स अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज अ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेनिंग इंस्पेक्टर ऑफ विंडोज डिफेंस सर्विस हुआ भी डेन हॉर्नेंस, ठीक है। दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं, दोस्तों यहाँ पे बात एक चीज़ और निकल के आ रही है फिजिकल के लिए। देखिए यहाँ पे फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात की जा रही है तो लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर रन है अप टू 7 मिनट 30 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको जो है 1.5 किलो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, ठीक है। अप टू 8 मिनट ग्रुप सेकेंड के लिए है, ग्रुप सेकेंड के लिए आप जो है वो 8 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाई जंप 3 फीट नीड टू क्वालिफाई, यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग जंप जो है वो आपको 10 फीट देना पड़ेगा और हाई जंप जो होता है वो 3 फीट देनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप जो है 3 फीट। फिजिकली की बात करें देखिए फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट ऑफ द पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, इसकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि फॉर्म भरने के बाद आपको कितनी फ़ीस सबमिट करनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फॉर्म भरने के लिए आप किसी भी कैटेगरी को हों, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी को आपका जो फीस है वो निल है, ठीक है। निल निल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। आपकी फ़ीस जो है 1 भी रुपया आपको लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए क्योंकि वेबसाइट जो है बहुत ही स्लो चलने लगती है लास्ट मोमेंट पर, तो आपका फॉर्म फाइनल नहीं हो पाता है। तो आप जो है इस फॉर्म को फिल करिए और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपकी जो भी वीडियोस हैं आपको आपके तक पहुंच सके, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।